हाउ आर यू? एक्शन। अबे वो है डायरेक्टर, यहाँ मैं डायरेक्टर हूँ और साहब एक्टर है दूल्हे के रूप में। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए मोहन बाबू, आइए आइए आइए, चलिए चलिए वहाँ पर बैठिए। नमस्ते, ठीक है ठीक है, ठीक सर सर सर, आपको दूल्हे राजा बुला रहे हैं, जाइए जाइए। मर्द को क्यों शूट कर रहा है, शादी में ब्यूटीफुल लेडी चाहिए। बाबा क्यों रे, यहाँ भी तुम्हें आ रहा है? नहीं, पुप्पा जी की दो पत्नियाँ हैं। तो मुझे भी दो चाहिए। अरे इसे भी दो। अबे आज तो शेक किए बिना शूट कर, क्यों इनको भी बेचना है फिल्म की तरह? चंदना ब्लाउज और बनारसी साड़ी वाले से ऑर्डर ले चुका हूँ। फीचर फिल्म के सिवा बाकी सब कुछ करवाया आपने मुझसे। कौन सी फिल्म? ब्लू फिल्म। वो तुझे हीरो रख के बाद में बनाऊंगा। क्या? आपकी बेटी नहीं आई? हाँ अच्छा, चलिए चलो महरूत का टाइम निकल रहा है, चलो शहनाई बजाइए। मंगलसूत्र नया क्यों दे रहे? फिर पुराना दीजिए, इसे मैं नहीं पहनाऊंगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, पति पत्नी जीवन भर मिलकर रहे, इसलिए धरा आकाश अग्नि जल और सारे देवताओं को साक्षी मानकर पवित्र मंत्र पढ़कर इन सबों का आशीर्वाद लेकर जो मंगलसूत्र पिछले साल पहनाया था वो दीजिए, पहनाऊंगा। वो कैसे पहनाएंगे, वो तो आपकी पत्नी के गले में है। जब पत्नी ही नहीं रही तो उसे मंगलसूत्र क्यों? बोलिए निकाल कर दे। ये क्या मजाक कर रहे हैं जमाई जी, जल्दी मंगलसूत्र पहनाए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। किसे पहनाऊं? आपकी बेटी को। उसका कारण मैं नहीं हूँ। सुनिए ससुर जी, एक ही पत्नी के साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपकी दोनों बेटियाँ एक हो गई हैं, एटलीस्ट मंगलसूत्र तो एक हो। अरे रे पागल जी, से कैसी बातें कर रहे हो, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। ओह, यहाँ जो हो रहा है वो पागलपन नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो पागलपन है। अच्छा, पर करें क्या? मीनाक्षी से बोलिए कि मंगलसूत्र उतार कर दे, तभी मैं इससे शादी करूंगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मीनाक्षी भी आप ही की पत्नी है ना। ये पुरानी बात हो गई, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही, हम दोनों का डिवोर्स हो गया है। जी भाई राजा, अचानक ये क्या बोल रहे हैं आप? हम दोनों कोर्ट तो नहीं गए, पर कल रात डिवोर्स हो गया। हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, मीनाक्षी ने ही कहा। नहीं। क्यों नहीं? अगर ये मेरे जीवन में आएगी तो तुम्हें मेरे जीवन से बाहर जाना होगा, मैंने कल रात ही कहा था ना, जिसे तुमने कबूल किया था। बोलो, जब मेरे साथ जीना नहीं चाहती तो मेरा पहनाया मंगलसूत्र क्यों पहनी? छोटी बहन की खुशी के लिए पति को त्यागा, फिर तुम्हें मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र क्यों चाहिए? इसे भी त्यागो, तुम्हें मंगलसूत्र ही चाहिए ना, यहाँ आए हुए लोगों में से किसी एक से पहन लो। क्यों ऐसे हैरान हो गई? मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ तो तुम भी दूसरा पति खोज लो, औरतों को एक समान हक है ना, ले लो, इक्वल राइट, मुझे नो प्रॉब्लम। ये क्या कह रहे हो, इस खानदान का जमाई होकर इस तरह की बातें कर रहे हो? हमारा खानदान नहीं, आपका खानदान। मतलब मेरी परिवार का तुम कोई इज्जत नहीं करोगे? बिल्कुल, आपको मान सम्मान ही नहीं, आपको बेटियों से प्यार भी नहीं। अगर प्यार करते तो इस तरह उनके जीवन से नहीं खेलते। आपकी बात आप ही को बताता हूँ, आपने कहा कि आपकी दोनों बेटी आपकी आंखें हैं, आपकी दोनों आंखें ठीक से रहें और मेरी आंखें चली जाएं। आपको अपनी दोनों बेटियां जितनी प्यारी हैं उतना ही मुझे अपना जीवन प्यारा है। हमें दो आंखें होती हैं, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, पर प्राण एक ही होता है। वैसे ही जान से ज्यादा प्यार करने वाली मेरी पत्नी भी एक ही है, बस। अब सुनिए, मुझसे प्यार कर मेरे साथ इस मंडप में बैठी रानी से अब कोई शादी नहीं करेगा। कम से कम अपनी छोटी बेटी के सुखी जीवन के लिए बड़ी बेटी को मंगलसूत्र उतार देने के लिए बोलिए। हम में इतनी शक्ति नहीं है जमाई जी, चाहे तो तुम ही निकाल लो या तो फिर तोड़ लो। सगे पिता ने जब परमिशन दे दिया तो देर क्यों, उतारो। मेरे बेटे ऐसा मत करो, अपमान नहीं करते। नहीं मेरी बात सुनो बेटी। जी जी नहीं, नो।
दो, दो। नहीं दूंगी। दो। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। सुनो बेटे, सुमंगली कोई भी स्त्री पति के जिंदा रहते मंगलसूत्र नहीं उतारेगी। अच्छा, आपने मंगलसूत्र क्यों उतारा? आपके पति मर गए इसलिए ना? ऐसा ही मैं मर गया सोचकर निकालने के लिए बोलिए। मैं मर गया सोचकर निकालने के लिए बोलिए। देखिए, दया करके मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी बहन के जीवन को सुख में बनाना चाहती हूँ, लेकिन अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहती। मैंने कल आपसे यू ही कहा था, सोचा दिन बीते आप मान जाएंगे। मुझे मार डालिए, लेकिन मंगलसूत्र मत मांगिए। बड़े दिल से मेरी बहन को अच्छा जीवन प्रदान कीजिए। इसीलिए वो मंगलसूत्र मांग रहा हूँ। मेरी बहन को ही नहीं, मुझे भी जीवन प्रदान कीजिए। तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतार कर इसके गले में पहनाऊंगा, ये मेरी सौगंध है। सुनो, तुम्हें एक मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर इरादा नहीं बदला तो मैं चला जाऊंगा। रुक जाइए, अपनी बहन का जीवन मुझे चाहिए, इसलिए मैं मंगलसूत्र निकालने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, दे दो। ये मुझसे नहीं होगा। क्यों? इन सब लोगों के सामने आपने पहनाया इस मंगलसूत्र को, आप ही उतार कर मेरी बहन के गले में पहनाइए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपके बारे में मैं खूब जानती हूँ, आपसे ये नहीं होगा। क्यों? मैं मंगलसूत्र उतार नहीं सकता, वो पुराना जमाना। मेरा मन जो कहेगा वही मैं करूंगा। जीवन में कुछ भी बांट सकते हैं, पर जीवन नहीं। अब जो मैं उतारूंगा वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं, हम दोनों के बीच का बंधन। नहीं, ऐसा मत कीजिए। दीदी के गले से उतार कर अगर ये मंगलसूत्र मुझे पहनाना है तो मुझे ये शादी नहीं चाहिए। हम दोनों मिलकर जिएंगे, ये सोचकर ही मैंने आपको चाहा। लेकिन अपनी दीदी की जिंदगी बर्बाद करने वाली ये शादी मुझे नहीं चाहिए। दीदी, अगर मुझे मालूम होता मेरे लिए आपको चीचा जी को त्यागना पड़ेगा तो मैं सच कह रही हूँ, मैं शादी के मंडप में कभी नहीं आती। दीदी, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, आपकी कसम। बाप रे बाप, इसीलिए तो मुझे ड्रामा करना पड़ा। तुम मरना जाओ इसलिए तुम्हारी दीदी इतने बड़े त्याग के लिए राजी हो गई। क्यों मीनाक्षी, क्या मैंने ओवर एक्टिंग कर दी क्या? थोड़ा एक्टिंग नहीं, बहुत ओवर एक्टिंग किया। क्या करूं मैं तुम्हें इतना ओवर प्रेम जो करता हूँ। अच्छा, मंगलसूत्र उतारते समय इतनी देर से क्यों आई? थोड़ी देर हो जाती तो जानती हो क्या होता? क्या होता? मेरे गले से उतार कर इसके गले में पहनाते। अरे बुद्धू, मंगलसूत्र के साथ तुम्हें उठाकर इस देश को छोड़कर विदेश चला गया होता। ये सब तो ठीक है, इतना होने के बाद मेरी बहन से शादी कौन करेगा? कौन क्यों नहीं करेगा, इसी मुहूर्त में इसी मंडप में इसकी शादी मैं कराऊंगा। ए राजा, क्यों दूल्हा सही सलामत नहीं आ रहा है सोच रहे हो ना? बेचारा, रानी किसी से शादी करी ये बात तो वह सह गया, लेकिन ऑलरेडी शादीशुदा की सेकेंड वेव बनने जा रही है, सहन नहीं हुआ और ये बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब तो जान गई ना कि वो कितना तुमसे प्रेम करता है। सुमन ने इसको मरने से बचा लिया, ये तुम्हारी तकदीर है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ ये सोचा था, लेकिन बाद में पता चला ये तो मेरी फैमिली सर्विस है। मेरी फैमिली सर्विस? और नहीं तो क्या, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है क्या? बचाओ बचाओ शहनाई बचाओ।
में अपनी बहन की बहुत फिक्र थी ना। शादी से पहले कितने भी सपने देखे, लेकिन शादी के बाद लड़की के लिए पति ही सब कुछ। केवल एक साल बीतते ही हाथ में बच्चा लिए घर आ जाएगी। 9 महीने क्यों, 1 साल ही काफी है। क्यों जी? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। करना ही होगा। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना। अच्छा, हमारी शादी कब होगी? अब से ही इज माई हीरो एंड आई एम हर हिज ओनली वन हीरोइन। भगवान आपका।